तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप खरे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि कौन-कौन से क्रियात्मक समूह हैं और हमने सबका परिचय देखा, सबका स्ट्रक्चर देखा और अनुलग्न भी देखा। उम्मीद है कि आपने उन्हें नोट कर लिया होगा। जब भी आप वीडियो लेक्चर देखो तो कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि हम साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आईयूपीएससी आपको लेक्चर देखते देखते ही याद हो जाएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्ड ओएच वाले कार्बनिक यौगिक, यानी कि हमने पहला फंक्शनल ग्रुप उठाया है जो कि है एल्कोहल, और इससे जितने भी कार्बनिक यौगिक जितने टाइप के बनेंगे वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा लेक्चर 11 होगा, मतलब अभी तक हमने आईयूपीएससी के लिए 10 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, सारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैंने जो लेक्चर 9 में आपको होमवर्क दिया था वो यहाँ पे थोड़ा चेक करेंगे, क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट करके उनके आंसर दिए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि इनको बताना सही आंसर ताकि वो मिला पाए, क्योंकि कई बच्चे वीडियो एंड तक देखते हैं, तो उनके लिए जब भी मैं होमवर्क देता हूँ तो वो जरूर से होमवर्क करके कमेंट में मुझे बताते हैं। इसलिए हम सबसे पहले उनका होमवर्क चेक करेंगे। तो मेरे पास नाम है तो वो फिर नाम भी मैं बता दूंगा कि किन किन का सही है। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, और मैंने खास कर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कराई है आपको लेक्चर 9 में, और वहाँ पे हमने सीखा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के यौगिक कैसे बनाते हैं। यहाँ पे समझो, आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल क्या है, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 कार्बन दिख रहे होंगे, क्योंकि ऊपर तो क्लोरीन है और नीचे भी क्लोरीन है, जिसे हम क्लोरो कहते हैं आईयूपीएसी में। तो लंबी चेन हम यहाँ से ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ये है कार्बन की सबसे लंबी चेन। आईयूपीएसी का दूसरा रूल क्या है, अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, वीडियो को पॉज करके। दूसरा रूल क्या है, नामांकन वहां से करना जहां से शाखा पास है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने की स्थिति में रूल ये चेंज हो जाएगा, नामांकन वहां से करेंगे जहां से ये डबल बॉन्ड पास है। पहले रूल क्या था, नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है, तो आप देखते कि यहाँ से शाखा पास है तो आप नंबरिंग इधर से करने लगते कि यहाँ पे हमें शाखा मिल रही है, लेकिन ये हो जाता गलत। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि जब किसी भी चेन के अंदर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर इसको ही प्राथमिकता देंगे, तो इस ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग होगी, जहां से ये पास पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग कर देंगे। अब चेक कर लो, यहाँ पे यहां से देखो, 1, 2, 3 कार्बन पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, तीसरे कार्बन के बाद हमें यहां से ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और यहां हमें पहले ही कार्बन के बाद दिख रहा है, तो नंबरिंग यहां से करोगे तो आपकी सही मानी जाएगी। तो 1, 2, 3 और 4, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, क्लियर हुआ। अब यहां पे जब भी आप आईयूपीएसी का नाम लिखते हो तो सबसे पहले किसको लिखोगे, प्रतिस्थापी को, किसको लिखोगे, प्रतिस्थापी को। चेक करो यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो ऊपर और नीचे दो क्लोरीन है ना, इन्हें हम क्लोरो कहते हैं और यही प्रतिस्थापी है, तो कितने नंबर पर जुड़े हैं, 3 पर। तो आप 3 जो अंक है इसको 2 बार लिखोगे, 3, 3। क्यों लिखोगे 2 बार, क्योंकि इसमें 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं एक ही नंबर पर, तो इसका अलग लिखा जाएगा 3 और इसका अलग लिखा जाएगा 3, 3। और क्या है, क्लोरो है, 2 बार है तो डाई क्लोरो, 3, 3 डाई क्लोरो, 3, 3 डाई क्लोरो। क्लियर हुआ, ओके। अब देखो, हमेशा याद रखो कि जब आपका प्रतिस्थापी लिख जाए उसके बाद आपको वर्ड रूट लिखनी होती है, यानी मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है ये देखो, ये है हमारी मेन चेन, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देते, लेकिन इसमें कहीं सिंगल बॉन्ड है नहीं, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 नंबर का माना जाएगा कि 2 नंबर का, तो फिर यहाँ से आईयूपीएसी कहता है कि छोटे नंबर का माना जाएगा, तो 1 और 2 में छोटा कौन है, 1, तो ब्यूट 1 आयन, यहाँ पे लगेगा कॉमा, यहाँ पे डैश, ब्यूट 1 आयन। संख्या के बाद जब हिंदी लिखते हैं तो डैश लगाते हैं,
3 3 डाई क्लोरो ब्यूट 1 आयन, ये इसका नाम हो जाएगा, 3 3 डाई क्लोरो ब्यूट 1 आयन। क्लियर हुआ कि नहीं? सेकंड देख लेते हैं। आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल क्या है? हमेशा मैं नियम के अनुसार ही चलूंगा और आप भी नियम के अनुसार ही चलिए, क्योंकि जब सब पूरी आईयूपीएसी जब हो जाएगी तो आप मिक्स ना कर दो, इसलिए रूल पुराने ही रहेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पुराने रूल भूलते जाएंगे, नहीं, उनके ही अनुसार हमें चलना है, तभी हमें चीजें याद रहेंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये जो होगी ये कार्बन की लंबी चेन होगी। अब यहां भी आप जा सकते हो 1 2 3 4, यहां से भी कर सकते हो 1 2 3 4, कहीं भी करोगे दो शाखाएं बाहर निकलेंगी, तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मैनुअल दबा देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा ठीक काम करे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो दूसरा रूल ये है, नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है। लेकिन ये रूल कब चेंज हो जाता है? जब आपको ट्रिपल बॉन्ड दिया हो या डबल बॉन्ड दिया। अब देखो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहां से नंबरिंग होगी, आपको क्लियर दिख रहा होगा, 1 2 3 4। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो स्टूडेंट डेली देखते हैं, उनको अच्छे से पता होगा, और बाकी वो तो बोर भी हो रहे होंगे कि सर फिर से बताने लगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उनसे भी, कुछ नहीं होता, देख लो दोबारा से, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका रिवीजन ही है। 1 2 3 4 कितने हो गए? 4। अब देखो, लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते? प्रतिस्थापी को। कौन है? ऊपर कार्बन है, एक कार्बन मिथाइल, नीचे भी मिथाइल है, तो 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाइल मिथाइल, मतलब दो बार है तो 3 3 डाइल मिथाइल। इसके बाद ब्यूट, चार कार्बन है तो ब्यूट, क्योंकि से अब हम वर्ड रूट का नाम लिखेंगे तो ब्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर अगर पूरी श्रृंखला में, पूरी चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड होते तो एन लगा देते, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड किन किन के बीच में है? 1 और 2 के बीच में, तो बताओ किसका माना जाएगा? तो मैंने आपको बताया ना, छोटी संख्या का, तो ब्यूट 1 आयन, ये होमवर्क है आपका। आगे बढ़ते हैं, तीसरा। इसमें आपको देखना है कि एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे, टोटल 4 कार्बन। अब इसमें कहीं भी शाखा नहीं जुड़ी हुई है। नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड लगा है, ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये इसके ऊपर एक और है, तो ये डबल बॉन्ड है, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है। इस चीज को पहचानना सीखो, इस चीज को पहचानना सीखो। यहाँ देखो, नंबरिंग यहाँ से होगी, यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, पहले कार्बन के बाद ही हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4। अब चलो, अब इसमें शाखा तो है नहीं, जब भी आईयूपीएसी का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? शाखा को। इसमें शाखा है ही नहीं, तो आप किसको लिखेंगे? मेन चेन को। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। अब यहाँ पे देखो, अगर पूरी शाखा में सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देते, क्या सिंगल बॉन्ड है? नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है लेकिन डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। तो किस पे है? 1 और 2 के बीच में है, 1 का माना जाएगा, तो 1, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईन, याद रखना, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईन, तो ब्यूट 1 ईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आयन, जैसे यहाँ पे देखो, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ, तो और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये मिथाइल ही जुड़ा है, एक कार्बन ही है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ भी है, क्योंकि जब कुछ ना हो तो मिथाइल होता है। तो आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल क्या है? सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, ये मिलेगी ना 5 वाली, तो ये सबसे लंबी कार्बन की मेन चेन आपकी हो जाएगी। अब इसमें ये शाखा है, नंबरिंग वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास है। बेसिक रूल तो ये है कि नंबरिंग वहां से करो जहां से शाखा पास है, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो नंबरिंग वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5। चलो अब शाखा को लिखते समय याद रखना, लिखते समय सबसे पहले शाखा को लिखते, क्या है? 4 पे मिथाइल, तो 4
मिथाइल, फोर मिथाइल। अब वर्ड रूट को लिखेंगे, मेन चेन पांच कार्बन वाली पेंट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड होता तो एन, लेकिन वन और टू के बीच में तो वन का आयन हो गया, पेंट वन आयन। ठीक है, तो फोर मिथाइल पेंट वन आयन, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये होमवर्क। अब मैं नाम बता देता हूँ जिन बच्चों का सही है, आप नोट कर लो, जिन पे नहीं बना था, बन तो गया होगा वैसे सब पे, जिन्होंने जो एंड तक देखते हैं उन पे बन जो गया होगा। सबसे पहले निखिल, निखिल का सही आंसर था। उसके बाद निखिल के बाद है श्रवण पासवान, इसके बाद यूनुस आलम, यूनुस आलम के बाद गणेश, इसके बाद यूजर XC4EY इनका है, और उसके बाद सैजान मलिक का भी बिल्कुल सही है। तो आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही से कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी आप कमेंट करके अपना जवाब लिख सकते हो। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके पहले तक मेरे पास जो आंसर आ जाते हैं उनको मैं यहाँ पे बताता। तो फिर होमवर्क हमने चेक कर लिया है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक क्या है? क्रियात्मक समूह OH वाले यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण करेंगे, स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और सामान्य नाम भी हम देखेंगे। और ये हमारा लेक्चर 11 है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, फोकस करिए अच्छे से, और चीज़ें लेक्चर देखते देखते ही आप पे बनने लगेंगी। शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे लेक्चर की, और सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह OH है, जो परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं OH की। तो जनरली इसे ऐसा लिखा जाता है, R बॉन्ड OH। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये R क्या है, इसको समझो। यहाँ पे जैसे मैंने नॉर्मली यहाँ पे कार्बन की एक चेन बनाई और इसमें OH जोड़ दिया। बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, कार्बन की एक चेन बनाई और उसमें OH जोड़ दिया। तो ये जो कार्बन की चेन वाला ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो कार्बन की चेन वाला ये जो हिस्सा है ना, ये R कहलाता है। और इसमें क्या जुड़ा है साथ में, ये OH। तो अब आप समझ गए होंगे कि अच्छा, R का मतलब होता है कि OH के आगे कार्बन की एक लंबी सी चेन भी जुड़ी हो सकती है, कोई छोटी मोटी चेन भी जुड़ी हो सकती है, जैसे ये छोटी चेन है, तो ये R। इस हिसाब से तो हम इस स्ट्रक्चर के आधार पे कुछ यहाँ पे और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे ये देखो, ये दो कार्बन के साथ में मैंने OH जोड़ दिया। अब वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, चार होती है। तो आप स्ट्रक्चर बनाना भी सीख गए होगे। देखो कैसे, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा है, तीन और लगा दो, बन जाएगा ना? बिल्कुल बन जाएगा। इसको इस ये देखो, सेकेंड नंबर का जो कार्बन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए? तो आप कहोगे कि सर देखो, एक कार्बन के इस तरफ एक बॉन्ड है, इस तरफ एक बॉन्ड है, टोटल दो बॉन्ड है, होने कितने चाहिए, चार, दो और लगा दो, हो गए ना चार, दो और दो चार। तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे इसके सामान्य नाम की। मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, सामान्य नेम। सामान्य नाम मतलब चालू नेम कहलाता है। सबके अपने अपने घर में एक चालू नेम होते हैं, वैसे ही इसका भी एक चालू नेम है। फिर इसका IUPAC भी नाम है, दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे सामान्य नाम। सामान्य नाम बहुत सरल होता है, नॉर्मली यहीं से स्टार्ट होता है, शुरू से। जैसे दो कार्बन है तो एथिल, दो कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथिल या इथाइल, तो एथिल बोल देते हैं, और ये क्या है, एल्कोहल। तो इसका नॉर्मल सा नाम पड़ जाएगा, दो कार्बन है तो एथिल, और OH को बोलते हैं एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल, है ना? ये हो गया एथिल एल्कोहल। अब जैसे मैंने यहां पे तीन कार्बन जोड़ लिए, एक दो तीन, और उसके बाद OH लगाया, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे, एक बॉन्ड है तीन और लगा दो, दो बॉन्ड है दो और लगा दो,
दो बॉन्ड हैं, दो और लगा दो तो इसका नाम क्या होगा? तो आप कहोगे सर दो कार्बन के लिए आपने एथिल लिखा है, तो तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपिल। क्योंकि तीन कार्बन को हम कौन सी गिनती यूज करते हैं? प्रो। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल। और ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल। तो यहां पे बताओ क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया। तो ये इनके सामान्य नाम हो जाएंगे। जैसे चार कार्बन है, एक दो तीन चार, और उसके बाद OH लगा है, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। यहाँ पे एक है, तीन हाइड्रोजन लगा, तो यहाँ पे दो कार्बन, कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? दो, दो और लगा दो। इस कार्बन के पास दो हैं, दो और लगा दो। इस कार्बन के पास दो बॉन्ड हैं, दो और लगा दो। ये तो इसका नाम आप बताओ। तो आप सिंपल कहोगे सर चार कार्बन है तो ब्यूटिल, है ना, ब्यूटिल। और OH को क्या बोल रहे हैं हम लोग? एल्कोहल। तो ये तो सिंपल है, लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो, अब मैं हाइड्रोजन साथ में ही लगाता जा रहा हूं, इसको क्या बोलूं? इसका सामान्य नाम क्या होगा? देखो टोटल कितने कार्बन है? एक दो तीन चार, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल, और OH है तो एल्कोहल। लेकिन अब आप सोचोगे कि सर इसमें और इसमें फिर फर्क क्या रहेगा, इसमें और इसमें अंतर क्या है फिर? तो इसलिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज रहेगा। अगर कार्बन की चेन सीधी सीधी है और उसमें डायरेक्ट OH जुड़ा है, तो यह रहेगा नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। इसका सही नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, ऐसा रहेगा। ये यहां पे डॉट बना, डैश, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो कार्बन कितने डायरेक्ट कार्बन से कनेक्टेड है? एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ये वाला नहीं माना जाए, क्योंकि ये वाला कार्बन इससे डायरेक्ट नहीं है, ये तो बीच में ये वाला है। फिर से याद करो, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो एक यहां पे है और एक यहां पे, तो इसे बोलेंगे दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसे बोलेंगे द्वितीयक। इसका नाम क्या हो गया? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो गया बताओ? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। द्वितीयक क्यों आया? क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, वो कार्बन अन्य दो कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। फिर से समझो, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है? दो। तो इसका नाम हो गया द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो फिर ऐसे तृतीयक भी हो सकता है, कैसे? देखो यहां, OH जिस कार्बन से कनेक्ट, देखो टोटल कितने कार्बन है? चार, तो आप इसको लिख सकते हो चार कार्बन तो ब्यूटिल, और ये एल्कोहल, तो आप लिखोगे ऐसा ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्या ध्यान से? ब्यूटिल एल्कोहल नहीं है ये, नहीं तो ऐसा ही हो जाता है। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसको नॉर्मल बना दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट मेन लंबी चेन है, इसमें कोई शाखा नहीं है। इसमें शाखा है तो द्वितीयक। इसमें देखो, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक दो तीन, तो ये होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि अगर डायरेक्ट ना कनेक्ट हो शाखा, ऐसा हो, समझना इस बात को।
ऐसा हो अगर तो इसका नाम क्या होगा? चार कार्बन है तो ब्यूटिल और ये अल्कोहल, लेकिन पता कैसे चलेगा कि यहाँ नहीं जुड़ा यहाँ? तो इसको बोलते हैं OH, जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां कोई चीज नहीं जुड़ी तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे बोलते हैं जिसमें OH कार्बन से कनेक्टेड है और उसमें कोई शाखा नहीं है बल्कि दूसरे कार्बन से शाखा जुड़ी है, तो इसे बोलते हैं आइसो। क्या बोलेंगे बताओ? आइसो और बाकी ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन अब इसके बाद ये शाखा लंबी चेन है एक, उसमें कहीं जुड़ी हुई है, तो इसलिए IUPAC बनाई गई कि सबके ऐसे नाम फिर नहीं दे सकते, कुछ एक के तो दे सकते हैं। तो ये आप नोट कर लो, पहले तो नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि कौन तृतीयक ब्यूटिक एल्कोहल है, कौन आइसो ब्यूटिल एल्कोहल है, ये सब आपको नोट अच्छे से करना है। अब मैं इन सबके IUPAC नाम लिखूंगा, ठीक है? तो चलो मिटा दें, ओके। तो ये सामान्य नाम मैं यहां से साफ कर देता हूं। ये सामान्य नाम यहां से मैं साफ कर दे रहा हूं, ठीक है? अब इनके लिखेंगे हम IUPAC नेम। तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, बड़े ही ध्यान से समझना है। IUPAC नेम लिखने के लिए मैं व्हाइट कलर का यूज करूंगा। IUPAC के जितने भी पुराने रूल हैं उनको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। पहला रूल क्या है बताओ? पहला रूल ये कहता है सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। तो इसमें कार्बन की चेन ये हो जाएगी, पहला कर रहे हैं, सबसे पहले कार्बन की चेन ये हो जाएगी। दूसरा रूल ये कहता है कि नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है, लेकिन अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड है तो नामांकन वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड पास है, लेकिन अगर किसी कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो नामांकन वहां से करो जहां से क्रियात्मक समूह पास है। इधर देखो, ये भाई साहब क्या है, यही तो है फंक्शनल ग्रुप। तो फिर ना हम शाखा देखेंगे ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, अब सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसी को मिलेगी। तो अगर चेन के अंदर कार्बन कार्बन की चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ना, तो नंबरिंग वहीं से होगी ना, तुम्हारा डबल बॉन्ड कुछ कर पाएगा ना ट्रिपल बॉन्ड कुछ कर पाएगा, और शाखा तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। समझ में आया ना? तो फिर नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से अपना फंक्शनल ग्रुप है, 1 और 2। इससे एक चीज समझ में आती है कि देखो शाखा नामांकन करते समय, सबसे छोटी होती है शाखा, शाखा से बड़ा होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम ऐसे कहेंगे कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी दोनों तरफ से समान दूरी पे हैं तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड बड़ा माना जाता है, ठीक है? और इससे भी बड़ा होता है अपना फंक्शनल ग्रुप, ये आप कहीं नोट कर लो कि पूरी कार्बन की चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इन सबको नहीं देखा जाता, फिर उसी से नंबरिंग होगी। अगर कार्बन कार्बन की चेन में ये नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी पास हो, लेकिन अगर ये दोनों समान दूरी पे हैं तो फिर डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे ये एक उदाहरण है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग इधर से भी है इधर से भी है, पास में कहाँ से होगी? यहां से करनी पड़ेगी क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। ये एक एग्जाम्पल है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर देख लो शाखा, जैसे ना डबल बॉन्ड है ना क्रियात्मक समूह है ना, यानी फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो शाखा देख लो भाई, यहां से नंबरिंग होगी, यहाँ पे शाखा जुड़ी है, तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाता है। तो ये रूल भूलने नहीं है, ये पिछला रिवीजन इसलिए हो जाता है थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे क्या इसमें, अब IUPAC नाम लिखते समय, ये बार बार मैं सिंबल करता हूं आपको ताकि आपको चीजें अच्छे से सेट रहे, लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। क्या इसमें प्रतिस्थापी है? अब आप ये मत कहने लगना कि ये है सर शाखा मेन चेन, शाखा के बाहर जो कुछ भी है वो प्रतिस्थापी है। नहीं, ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है OH,
ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यहां कहीं प्रतिस्थापी तो है ही नहीं, और जब प्रतिस्थापी नहीं है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे। तो आईयूपीएसी का रूल क्या है, लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखो, है नहीं तो कहां से लिखेंगे, तो फिर किसको लिखो, मेन चेन को लिखो। ये है कार्बन कार्बन की मेन चेन। कितने कार्बन? दो। दो कार्बन के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, एथ। लेकिन सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन हो जाएगा, तो एथ प्लस एन एथेन हम लिख सकते हैं। आया समझ में कि नहीं? अब इसके बाद जब मेन चेन लिख जाए उसके बाद क्रियात्मक समूह लिखना है। ये रूल लिखो, जब मेन चेन लिख जाए, मेन चेन लिखने के बाद, ये लिखना शब्द जरूर लिखना है, लिखने के बाद एफ जी यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखो। आया समझ? मेन चेन लिख जाए जब, उसके बाद आप एफ जी का नाम लिखो यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखो। लिख गया? या वीडियो को पॉज करके नोट करो। चलो हो गया। अब ये जो रूल है इसको यहां पे, मेन चेन लिख गई ना, मेन चेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब मेन चेन है। उसके बाद वन पे क्या जुड़ा है, ऑल। तो वो नंबर लिखो जिस पे ये जुड़ा है, एक नंबर पे जुड़ा है ना, OH को क्या बोलेंगे आईयूपीएसी में, ऑल। क्या बोलना है, ऑल। तो वन पे क्या हो जाएगा, ऑल। क्लियर हुआ कि नहीं? OH का नाम है ऑल। अब OH का नाम ऑल बस नहीं है अभी तो, लेकिन केवल याद रखो कि ऑल है। जब ढेर सारे क्रियात्मक समूह आपस में एक ही चेन में जुड़े होंगे तब किसी ना किसी को तो प्रतिस्थापी बनाना होगा, तब ये OH जब प्रतिस्थापी बनेगा, अभी तो क्रियात्मक समूह है, जब प्रतिस्थापी बनेगा तो इसके लिए हम यूज करेंगे पता है क्या, हाइड्रोक्सी। अभी समझ में नहीं आया तो मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी अभी। लेकिन क्या ऑल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? चलो अब क्या करना है इसमें, दूसरा सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। तो ये कार्बन की चेन सेलेक्ट है। अब चूंकि हम इसको भी अंदर ले सकते हैं क्योंकि इसको हम प्रतिस्थापी नहीं मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो चेन के अंदर ही लिख लिया। पहला रूल है कार्बन की लंबी चेन, तो ये तो एक ही चेन है, एक ही सीध में है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा रूल क्या कहता है, नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप, तो रूल चेंज हो गया। नामांकन वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो, यानी कि क्रियात्मक समूह। तो यहीं से है तो नंबर एक इसको मिलेगा, नंबर दो इसको मिलेगा, नंबर तीन इसको मिलेगा। चलो क्या प्रतिस्थापी है इसमें, नहीं है। तो प्रतिस्थापी तो सबसे पहले लिखते हैं ना, इसमें तो है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर मेन चेन लिखेंगे, कितने कार्बन है, तीन। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो हो गया क्या, प्रोपेन। ठीक दिख रहा है ना, ओके प्रोपेन हो गया। अब इसके बाद क्रियात्मक समूह लिखेंगे, कितने नंबर पे जुड़ा है, वन पे, तो वन ऑल हो जाएगा, प्रोपेन वन ऑल। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, सबसे लंबी चेन यही होगी, बहुत ही सरल है। चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है क्योंकि, तो एन लगा दिया। और वन पे क्या जुड़ा है, ऑल, तो ब्यूटेन वन ऑल। अब सुनो एक बात, बहुत ध्यान से समझना, ये जो वन दिख रहा है ना, ये जो वन, इसको ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो फिर नाम इनके क्या होंगे, एथेन प्लस ऑल। वन हटा दो तो इसको हम एथेन प्लस ऑल अगर करेंगे, समझो इसको एथेन प्लस ऑल, वन हटा देते हैं तो इसका नाम पता है क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो आप कहोगे सर ये प्रोपेनॉल हो गया, सर ये ब्यूटेनॉल हो गया, बिल्कुल हो गया। इसलिए इनके जो सेकेंडरी नाम है वो भी लिख लो, इसका एथेनॉल, इसका क्या होगा, प्रोपेनॉल, इसका क्या होगा, ब्यूटेनॉल, इसका क्या होगा, अभी तो बनाया नहीं, चलो बना लेते हैं। इसको देखो, अब इसको आईयूपीएसी नामकरण हम करेंगे।
यूपीएससी के रूल कभी नहीं भूलना, सबसे लंबी मेन, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लो। कर लेते हैं, 1 2 3, सीधे में कितने कार्बन, 3, लेकिन ऐसे चलेंगे तो एक कार्बन और मिलेगा, 1 2 3 4 कार्बन, तो यही करेंगे ना हम। कितने कार्बन मिल रहे हैं बताओ, 4 कार्बन। अब आप कहोगे सर OH को आपने छोड़ दिया। नहीं, OH को छोड़ने से ये शाखा नहीं बन जाएगी। OH को कभी भी शाखा में नहीं लेंगे, अभी जब अकेला OH है। इसको क्या मानेंगे, फंक्शनल ग्रुप, भले ही ये बाहर चला गया कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूल क्या है, नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो नामांकन वहां से करो जहां से ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास है। मैं पुराने रूल इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ। क्या इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, होते भी तो कुछ नहीं कर लेते, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, एफ जी, फंक्शनल ग्रुप। तो अब तो निश्चित हो गया कि नामांकन वहीं से होगा जहां से ये भाई साहब पास होंगे। यहां से चेक करो, 1 2 तीसरे कार्बन पे मिलते हैं, यहां से चेक करो, 1 2 दूसरे कार्बन पे मिलते हैं, कहां से पास पड़ा, नीचे से कि ऊपर से, नीचे से। तो 1 2 3 4, आया समझ में, आया समझ में कि नहीं, आ गया, ठीक है। चलो अब IUPAC नामकरण लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को। किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी। क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, गड़बड़ नहीं कर देना, ऐसा मत बोलना कि ये शाखा के बाहर है सर यही प्रतिस्थापी, नहीं, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये प्रतिस्थापी नहीं है। तो फिर क्या करें सर, इसमें प्रतिस्थापी है ही नहीं। जब प्रतिस्थापी नहीं है तो उसको मत लिखो। प्रतिस्थापी के बाद किसको लिखते हैं, मेन चेन के कार्बन की संख्या कितनी है बताओ, मेन चेन के अंदर 4 है, तो 4 को क्या बोलेंगे, नीचे जगह है बिल्कुल है, यहां पर लिख देते हैं, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे बताओ, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा, एन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो उसको लिखते कि भाई कितने नंबर पे है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसको लिखते कि कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन अभी क्या है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, ब्यूटेन। लेकिन अब इसके बाद लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, कितने नंबर पे है, अब इस बार 2 पे, अभी कितने पे रहता था, 1 पे, अभी कितने पे आ गया, 2 पे, तो ब्यूटेन कॉमा लगा दो, 2 डैश लगा दो, आर, ब्यूटेन 2 आर। बताओ क्लियर हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताओ प्लीज, इस चीज को समझ में आ गया होगा, ब्यूटेन 2 आर। चलो इस पे आते हैं, IUPAC का रूल क्या कहता है, IUPAC का रूल क्या है बताओ जल्दी से, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना। इधर देखो, सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है, 1 2 3, 1 2 3, कहीं भी चले जाओ एक शाखा आपको छोड़नी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, सीधी एक चेन बना लेता हूं, 1 2 3, एक इधर ब्रांच बन गई, इस बार हमें प्रतिस्थापी मिल गया, ये मिथाइल, ये प्रतिस्थापी है, लेकिन ये नहीं है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एक ही है तो उसे फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो अब कैसे इसका नाम लिखेंगे, नेम लिखते हैं। चलो दूसरा रूल लगाओ, नामांकन करना है इसमें कैसे करोगे, नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो, ये नियम कब तक रहेगा, जब तक फंक्शनल ग्रुप ना हो, इसमें ये बैठा है फंक्शनल ग्रुप, तो निश्चित हो गया कि नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो, यानी क्रियात्मक समूह पास हो। यहां से भी दूसरे कार्बन पे मिलता है, यहां से भी दूसरे कार्बन पे मिलता है, तो क्या करें, कहीं से भी कर सकते हैं, तो 1 2 3। चलो लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को, क्या इस बार है, आंसर है यस, इस बार मिथाइल है। समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बता देना, इसलिए मैं फ्लो के साथ में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। इस बार प्रतिस्थापी है, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो आप लिखोगे कि 2 डैश मिथाइल, हो गया 2 मिथाइल। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, प्रतिस्थापी जब पूरे लिख जाते हैं उसके बाद मेन चेन, एक ही प्रतिस्थापी है लिख दिया है, उसके बाद क्या लिखोगे, मेन चेन का नाम, मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन, तो हो गया प्रोपेन।
आ रहा है समझ में? सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन प्रोपेन। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम, कितने नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप, टू नंबर पे, तो लिखोगे टू ऑल। क्या लिखना है, टू ऑल, फ्रेम से बाहर नहीं गया है। तो ये हो गया टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। आखिरी वाला आपको करना है, वीडियो को पॉज करके करो आखिरी वाला। चलो अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, बता दूं, बता देता हूं। चलिए आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल लगाओ, बिल्कुल रूल से चलो, सारे रूल दिमाग में होने चाहिए। पहला रूल क्या है, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना। करते हैं एक दो तीन, एक दो तीन, कहीं से भी चलोगे तो कार्बन की चेन तीन ही मिलेगी, एक आपको शाखा बनानी पड़ेगी। दूसरा रूल क्या है, नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो, लेकिन भाई साहब अगर बैठे हो, क्रियात्मक समूह अगर बैठा हो, तो नामांकन वहां से होगा जहां से ये पास हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा माना जाता है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है नामांकन के लिए। किसके लिए, नामांकन के लिए, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। तो यहां से नंबरिंग होने लगी, एक दो तीन। चलो सब लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को, कितने नंबर पे है, टू पे, तो हो जाएगा टू मिथाइल, क्या हो जाएगा, टू मिथाइल। और तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा प्रोपेन, और वन पे क्या जुड़ा है, ऑल, तो प्रोपेन वन ऑल। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, हुआ कि नहीं, हो गया। तो इस तरीके से हमने ये देखा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं आपके लिए, अब आपकी बारी है, तो शुरुआत करेंगे। यहाँ पे ये होमवर्क जो है वो मिटा देते हैं और यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे। चलो पहला मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट से एक्सरसाइज करेंगे, अब मजा आएगा जब आपका चेक होगा यहीं पे। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्सरसाइज में कुछ लेकर आया हूं आपके लिए, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में है पहली एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए करिए इसको, वीडियो को पॉज कर लो, हो गया। अब मैं बता देता हूं, देखो पहला रूल क्या है, देखो यहां पे कार्बन है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, और यहां पे कार्बन। रूल फर्स्ट कहता है सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, यही दिख रही होगी आपको, दिख गई, तो ये कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई। नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो, यहां से दूसरे कार्बन पे है, यहां से एक दो तीन चौथे कार्बन पे, तो ये होगा दूसरे वाला, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। अब इसके बाद लिखते टाइम सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को, रूल चलने चाहिए, सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को। क्या इसमें कहीं प्रतिस्थापी है, आंसर है नहीं है, तो फिर मेन चेन को लिखेंगे, कितने कार्बन, पांच, पांच कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है ना सभी जगह, ये देखो ये सिंगल सिंगल लगे, डबल बॉन्ड तो ऐसे लगा होता ना, तो सिंगल लगा है तो पेंट, और एन लगा देंगे तो पेंट एन हो जाएगा। और देखो क्रियात्मक समूह ओ एच कितने पे जुड़ा है, दो नंबर पे, तो पेंट एन और टू ऑल, टू ऑल, पेंट एन टू ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, पेंटेन टू आर। कितने बच्चों का सही था कमेंट में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज सेकंड, चलिए अब थोड़ा सा टफ कर दिया मैंने, मैं आपको यहां पे ऐसा नहीं है बताते भी जाऊंगा कैसे आ रहा है, तो एक्सरसाइज हम लोग साथ में ही कर रहे हैं। चलो मैं बता देता हूं, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लो, एक कार्बन यहाँ पे है, 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 एक दो तीन चार पांच, यही हो जाएगी। दूसरा रूल कहता है नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो, लेकिन आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो नामांकन वहां से करो जहां से, अब डबल बॉन्ड की भी नहीं चलेगी, इससे होगी नंबरिंग, यहां से वन टू थ्री फोर फाइव, आया समझ में? बिल्कुल
अब अगर प्रतिस्थापी है, लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। क्या इसमें है प्रतिस्थापी? कहीं नहीं है। प्रतिस्थापी ऐसा जुड़ा होता, जैसे यहाँ पे जुड़ा होता या यहाँ पे कुछ जुड़ा होता तो वो प्रतिस्थापी होता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ठीक है फिर इनको हटा दे। प्रतिस्थापी के बाद क्या लिखते हैं? मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो हो जाएगा पेंट। लेकिन सिंगल बॉन्ड होता अगर तो एन लगता। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है? तो आंसर है तो, लेकिन डबल बॉन्ड है तो उसकी उसको ही माना जाएगा। सिंगल बॉन्ड का अब एन नहीं लगेगा। अब देखो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो कम संख्या वाले का माना जाता है, तो 4, तो पेंट 4-ईन आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आता, तो पेंट 4-ईन। इसके बाद ये हो गया मेन चेन का नाम। अब जैसे पेंटेन तो मेन चेन का नाम हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो पेंटेन 4-ईन हो गया, क्योंकि 4 नंबर पे है। अब 2 पे ऑल है तो यहाँ पे लिख लो 2, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख गया पेंट 2, पेंट 4-ईन 2 ऑल, 2 पे क्या है? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं नेक्स्ट। ये एक्सरसाइज है जो मैं लिख के लाया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको करते ही रहना है इनको। ये है, अब इसमें आप हाइड्रोजन भी लगाइए और इसके बाद आपको नाम भी देना है। इसमें आपको हाइड्रोजन भी लगाना है और नाम भी देना है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 है, एक हाइड्रोजन लगा दिया, 3 और 1 4 ही हो गए, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दिया और 1 और 1 2 2 और लगा दिए। अब आईयूपीएसी का रूल लगाएंगे। सबसे पहला रूल है सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना, 1 2 3 4 यही लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना, और ऊपर फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो यही लेना पड़ेगा। दूसरा है नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो, लेकिन शाखा कि नहीं चलेगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नहीं चलेगी अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये बैठा है यहाँ पे, तो नंबरिंग इसी से होगी, 1 2 3 4। आया समझ में कि नहीं? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। लिखना किसको है सबसे पहले? प्रतिस्थापी, तो 2 नंबर पे जुड़ा है ना सी, यानी मिथाइल। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देते हैं 3, ठीक है, तो ये हो गया 2 मिथाइल। टू मिथाइल, क्योंकि हम सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं इसलिए हो गया 2 मिथाइल। अब प्रतिस्थापी और तो नहीं कुछ? नहीं, ये नहीं मान सकते प्रतिस्थापी, क्योंकि ये क्या है अपना? एफ जी है। तो फिर क्या करें? अब मेन चेन का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी लिखने के बाद किसका नाम लिखते हैं? मेन चेन का। मेन चेन में कितने कार्बन? 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। क्या सिंगल बॉन्ड है? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में है तो 3 का माना जाएगा, तो 3-आइन। यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे डैश, 3-आइन। ये हो गई मेन चेन का नामकरण। अब इसके बाद क्या करोगे? फंक्शनल ग्रुप लिखोगे, कितने नंबर पे? 1 पे, तो 1 ऑल। समझ में आया? आ गया ना? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताते रहना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देते हैं आपको करने के लिए, ठीक है, जो मैं आपके लिए लिख के ही लाया हूं। ओके, चलो इसको कर लो, करो इसको करो, वीडियो को पॉज कर लो। चलो अब मैं बता देता हूँ। आईयूपीएसी का पहला रूल, सबसे लंबी कार्बन की चेन 2 कार्बन से मिलके यही बनेगी। नामांकन वहां से जहां से शाखा पास हो, शाखा नहीं है यहाँ पे तो एफ जी है, फंक्शनल ग्रुप है, 2 2 है, तो नामांकन वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप पास, तो भैया यहाँ से भी 1 पे ही है, यहाँ से भी, तो कहीं से भी कर सकते क्योंकि दोनों जगह सेम सेम चीज है, तो 1 और 2। आया समझ में? अब नामकरण लिखना है तो लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। क्या इसमें प्रतिस्थापी है? मिथाइल लिथाइल कुछ नहीं है, क्लोरो फ्लोरो कुछ नहीं है,
चलो हटा दो उसको। अब मेन चेन लिखना, मेन चेन क्या है? मेन चेन में एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, देखो सिंगल बॉन्ड है अकेला तो एथेन हो गया। लेकिन अब ऑल देखो, वन पे भी जुड़ा है और टू पे भी जुड़ा है, तो आप लिखोगे वन और टू दोनों पे है, दो बार ऑल है तो डाई ऑल हो जाएगा, बस इतना तो है। वन और टू दोनों पे है तो वन टू, दो बार है तो डाई क्या है? ऑल। तो एथेन वन टू डाई ऑल, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा और आप इसको लिखोगे, ठीक है? और इसका जो प्रचलित नाम है उसको भी लिख लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा इसका प्रचलित है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये नोट कर लो, ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल यही है, एथिलीन ग्लाइकॉल। और दें एक्सरसाइज, चलो ठीक है, ये नोट कर लो, मिटा देता हूँ, नोट कर लो, कर लिया, कर लिया, ओके। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आपको मिलेगी थर्ड, जो भी है आपकी एक्सरसाइज। अब नंबर में नहीं पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज है अपनी, चलो ठीक है, CH2, क्योंकि यहाँ पे एक OH जोड़ना है, यहाँ पे एक OH जोड़ना है और यहाँ पे OH जोड़ना है। चलो इसका नामकरण करो, पहले जैसा ही करना है, कर दो IUPAC नेम, ठीक है? हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट हो गई, नामांकन वहां से करेंगे जहां से OH पास हो, तो तीनों जगह से है तो यहां से कर दिया। प्रतिस्थापी है नहीं मेन चेन का नाम, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। और वन पे भी OH है, टू पे भी OH है, थ्री पे भी होगा, तो वन टू थ्री, और तीन बार है OH इसलिए ट्राई ऑल हो जाएगा। इस बार क्या होगा? ट्राई ऑल, काफी फेमस है यौगिक, तो हो गया ट्राई ऑल, मिला लो एक बार। और इसका प्रचलित नाम भी है इसका, ग्लिसरॉल, ये भी कभी नहीं भूलना, ग्लिसरॉल। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो तो मैंने मिटा दिया, ठीक है? तो ये ग्लिसरॉल, एक था एथिलीन ग्लाइकॉल जिसमें दो बस जुड़े होते हैं, वो एथिलीन ग्लाइकॉल है जो आपने नोट कर लिया होगा, और एक है ग्लिसरॉल, ठीक है? तो समझ में तो चीजें आ रही है ना, तो नोट करो फटाफट, इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको देने वाला हूं। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं एक और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें ही सब कुछ है। चलो रिंग के अंदर आ जाओ, थोड़ी सी अच्छी रिंग बनानी है, यहाँ पे कर लो OH। चलो इसका नामकरण कर लो जल्दी से, हो गया? चलो मैं बता देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना यदि नहीं हुआ। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो एक कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे एक कार्बन है, जहां ये खूंट बने हुए हैं ना, कॉर्नर जिन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पे हर जगह कॉर्नर पर कार्बन है। अब देखो नामांकन वहां से करना है जहां से OH हो, तो यहां इस कार्बन को नंबर एक मिलेगा क्योंकि यहां पे क्या है? OH जुड़ा हुआ है, तो दूसरा ये होगा, तीसरा कार्बन ये हो गया, चौथा कार्बन ये हो गया, पांचवा कार्बन ये हो गया, छठवा ये हो गया। ये लंबी चेन है 6 कार्बन की, तो लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। क्या इसमें प्रतिस्थापी है? आंसर है नहीं है, तो फिर किसको लिखेंगे? मेन चेन को। मेन चेन ये है, अब ये रिंग के फॉर्म में है, ये अगर इस टाइप की हो, इस टाइप की हो, समझना, प्रैक्टिस करोगे तो आती जाएगी, इस टाइप की हो, ये रिंग वाली फॉर्म है, इनमें इनमें भी कार्बन होते हैं लेकिन ये बंद श्रृंखला होती है। ये देखो यहाँ पे ये बंद है, इनमें हर जगह क्या है? यहाँ पे कार्बन है, जहां जहां मैं डॉट बना रहा हूँ ये हर जगह क्या होते हैं? कार्बन। लेकिन अगर ये तीन कार्बन ऐसे बंद है, और तीन कार्बन ऐसे भी हो सकते हैं, ये कहलाते हैं प्रोपेन, और ये बंद वाले साइक्लोप्रोपिन, क्योंकि रिंग बन गई है। जैसे ये 4 कार्बन है, समझना अच्छे से, 4 कार्बन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 कार्बन है लेकिन ये खुली श्रृंखला में है, लेकिन ये 4 कार्बन आपस में बंद हो गए हैं, तो ये कहलाता है ब्यूटेन और ये साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो शब्द जुड़ जाता है जब भी कार्बन कार्बन की चेन ऐसी बंद होती है, तो कौन सा शब्द जुड़ जाता है बताओ? साइक्लो। इसमें बताओ 5 कार्बन ऐसे खुले होते तो क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं अपन?
पेंटेन बोलते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये पांचों कार्बन ऐसे बंद हो जाए, एक रिंग बना दे, ये देखो ये पांच कार्बन से जुड़ के, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लो शब्द आगे लगता है और कुछ भी नहीं है, तो मेन चेन का नाम होगा साइक्लोपेंटेन। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलो यहां देखो, मेन चेन लिखना है, तो मेन चेन में कितने कार्बन है, छह, तो लिखोगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो लिखोगे एन। देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो लिखोगे हेक्स। लेकिन क्या ये खुली श्रृंखला है? आंसर है नहीं, ये तो बंद है, ये तो रिंग बनी हुई है। तो बस रिंग देख के आपको साइक्लो शब्द आ जाना चाहिए। क्या देख के? रिंग देख के। क्या आएगा? साइक्लो। तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो पहले लिखा जाएगा, फिर हेक्सेन लिखा जाएगा। कभी मिस्टेक नहीं कर देना, नहीं तो हेक्सेन लिख के साइक्लो लिख दो। नहीं, साइक्लो फिर हेक्सेन, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, ऐसे होता है। कभी भी साइक्लो एथेन नहीं होगा, क्योंकि दो कार्बन से बंद हो ही नहीं सकती, कम से कम तीन कार्बन चाहिए। तो साइक्लो प्रोपेन से स्टार्ट होगा, तो साइक्लो हेक्सेन। और वन पे क्या है? ऑल। बाकी पहले जैसा ही करना है। वन पे क्या हो गया? ऑल। एक्सरसाइज समझ में आ रही है ना? चलो एक और देता हूं, इसको करो, इसको तो करना ही है, आपको बन जाएगा। चलो करो इसको, हो गया। चलो मैं बता देता हूं, इसका नाम पता है क्या होगा? इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, तो साइक्लो कितने कार्बन है बताइए? एक, दो, तीन, चार, पांच। नंबरिंग यहीं से होगी ना? तो पांच कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंटेन। लेकिन ये तो रिंग बनी हुई है ना, तो साइक्लो पेंटेन हो गया। क्या होगा? साइक्लो पेंटेन। और वन पे क्या जुड़ा है बताओ? ऑल। तो वन ऑल, साइक्लो पेंटेन वन ऑल। आया समझ में? बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं है, इतना सरल है। साइक्लो पेंटेन वन ऑल, प्रैक्टिस करते जाओगे चीजें बनती जाएंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे तो बहुत आगे पहुंच गए। चलो आगे, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और ही प्रोग्रामिंग है, इसलिए अभी हमें यहीं पे मिटा के करना होगा। आपने लिख लिया होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ही सब कुछ होती है, ध्यान रखना, जितनी ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। चलो करो इसको, हो गया। चलो मैं बता देता हूं, कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो, यही है रिंग के रूप में। ये एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। नामांकन वहां से करेंगे जहां से ओ एच पास हो, भाई जब से देख रहे हैं। तो एक, दो, तीन, चार। अब थोड़ा सा मिस्टेक होने वाला है, क्यों? क्योंकि नामांकन वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पास है। तो हमने यहाँ एक कर दिया, तो हम यहाँ दो कर रहे हैं, लेकिन हम एक दिमाग लगाएंगे छोटा सा कि यहां से अगर हम दो करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा आईयूपीएसी के अनुसार, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड भी मिल रहा है पास में, इसलिए हमने दो नंबर इसको दे दिया। इस तरफ से गए, क्यों? क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप भी पास में है और यहाँ से डबल बॉन्ड भी मिल रहा है पास में, इसलिए ये वाली जो नंबरिंग है ये ज्यादा सही रहेगी और आईयूपीएसी इसी को मानेगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6, प्रतिस्थापी है क्या कोई? नहीं। लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब मेन चेन को लिखेंगे, कितने कार्बन है टोटल? छह कार्बन, वो भी बंद में है, रिंग बनी हुई है। तो साइक्लो पहले लिख लो, रिंग बनी हुई है तो साइक्लो तो पहले लिखना ही है। फिर छह कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं। क्या सिंगल बॉन्ड है? ये देखो, ये है डबल बॉन्ड। अब आपको दिक्कत हो जाएगी। अब ये टू और थ्री के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड है ना? किन किन के बीच में है बताओ? टू और थ्री के बीच में, तो किसका माना जाएगा? टू का। तो यहाँ पे हेक्स टू इन हो जाएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। दो और तीन के बीच में है तो दो का मान लिया, तो दो इन हो गया। बाकी वन पे क्या है? ऑल है, तो सीधा सीधा लिख दिया वन ऑल। सबसे आखिरी में आपको फंक्शनल ग्रुप लिखने हैं, सबसे आखिरी में फंक्शनल ग्रुप। तो साइक्लो हेक्स, छह कार्बन को बोला हेक्स और टू पे हो गया इन वन ऑल। कहीं गलती तो नहीं हुई? नहीं। ठीक है,
तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेट्यूल, मैं मिला लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज देता हूं, एक्सरसाइज तो कर ही लो, ये वाली एक्सरसाइज अगर बनने लगी तो फिर बस एल्कोहल में आपको कोई नहीं हरा सकता। चलो इसको करो, इसको करो फटाफट से। चलो मैं बता देता हूं, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करना, एक यहां कार्बन है, एक यहां कार्बन है ना, एक यहां पे कार्बन है, एक यहां पे कार्बन है और एक यहां पे। तो यहां पे नंबर एक देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। आप इधर जाएं कि इधर जाएं बताओ, इधर जाओ क्योंकि यहां डबल बॉन्ड भी मिल रहा है। तो 2 3 4 5, चलो ये रिंग है। अब देखो इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, क्लोरो नहीं है, मिथाइल नहीं है, इथाइल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जुड़ा है अभी। तो फिर क्या करें, प्रतिस्थापी तो दिया नहीं गया, तो अब मेन चेन का नाम लिखो, तो क्या है, साइक्लो, साइक्लो क्या है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, क्योंकि टोटल कितने हैं, 5 कार्बन है इस स्ट्रक्चर में, तो पेंट हो गया साइक्लो पेंट। लेकिन क्या सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, नहीं है, तो पेंटेन नहीं लिख सकते, सिंगल बॉन्ड होता तो पेंट प्लस एन, दैट इज पेंटेन। लेकिन यहां पे क्या होगा, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 का ईन हो जाएगा क्योंकि छोटी संख्या का ईन होगा, तो 2 ईन, पेंट 2 ईन, और 1 पे क्या है, ऑल, 1 पे हमेशा क्या रहता है, ऑल। ये हो गया आपका साइक्लो पेंट 2 ईन 1 ऑल, यहाँ पे 1 पे ऑल है, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। स्ट्रक्चर बनाते जाना अपनी बुक में, अपने जो भी नोटबुक आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें ये सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैं। चलो इसको और बनाओ, ये आखिरी रहेगा आपके लिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। बन गया, चलो मैं बना देता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको बताओ, कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। अब नामांकन वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो, तो यहां से होगा, अब इधर जाएं कि इधर जाएं, तो डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, यहां तो ये क्या है प्रतिस्थापी है, उससे भी बड़ा क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो इधर जाना पड़ेगा 2, और यहां पे क्या होगा 3। चलो अब बताओ क्या होगा, सबसे पहले किसको लिखते हैं, लिखते किसको हैं, प्रतिस्थापी को, इस बार है प्रतिस्थापी, कितने पे है, 3 पे, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो, 3-क्लोरो, समझ रहे हो ना आप, सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को, लिखने का तरीका यही है, सबसे पहले प्रतिस्थापी को ही लिखना पड़ता है, तो 3 पे क्या है, क्लोरो। इसके बाद मेन चेन को लिखते हैं, और तो नहीं है प्रतिस्थापी, नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर मेन चेन साइक्लो है ना, रिंग बनी है तो साइक्लो शब्द तो लिख ही दो पहले, साइक्लो, कितने कार्बन की साइकिल बनी है, 3 कार्बन की, तो साइक्लो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते, क्या सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, नहीं, ये तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कि ये है और एक ये है, तो 2 का माना जाएगा कि 3 का, छोटी संख्या का, तो प्रोप 2 ईन, प्रोप 2 ईन, बाहर तो नहीं निकल गया, ठीक है 2 ईन, और 1 पे क्या है, और इसमें क्या था, इसमें आपका प्रतिस्थापी भी था, डबल बॉन्ड भी था, OH भी था, तो ऐसे आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मत देखो कि वीडियो कितना लंबा हो रहा है, ये समझो कि एक बार में पढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, बस खत्म केल, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, IUPAC बनने लगेगी। अब देखो इसको साफ कर देते हैं, 1 2 3, वीडियो को पॉज कर लो अगर नोट करना है तो, चलो ठीक है। ओके चलिए अब हम लेते हैं कुछ नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज जो आपको परेशान कर सकती है, अगर ये वाले यौगिक आपने किसी को दे दिए तो उस पे भी हो सकता है ना बने, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं सी बॉन्ड सी एक्सरसाइज है ये, यहाँ पे OH, यहाँ पे
थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सी बॉन्ड, सी बॉन्ड ओ एच। यहाँ पे हमने एक, अब हाइड्रोजन आप लगाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लग जाएंगे। चलो इसको बनाओ, पहले प्रैक्टिस कर लो, इसको कैसे नामकरण करोगे। चलो अब मैं बता देता हूं, आईयूपीएसी का रूल क्या कहता है, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पे तीन कार्बन है, तो आप इसको मेन चेन मानोगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे आईयूपीएसी का रूल याद रखना कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वही मेन चेन बनेगी। इसके पास नहीं है फंक्शनल ग्रुप, कहीं पे OH नहीं जुड़ा है डायरेक्ट, डायरेक्ट OH इनसे जुड़ा है दो कार्बन से, तो यही लंबी चेन बनेगी। आप लिख लो, मेन चेन वही बनेगी, मेन चेन वही होगी जिसमें OH सीधा जुड़ा हो, सीधा जुड़ा हो। लिखो इस रूल को, ये रूल अच्छों अच्छों को नहीं रहता पता, और फिर गलती हो सकती है, हालांकि आपको पता होगा, तो ये आप नोट करो, मेन चेन वही होगी जिसमें OH जुड़ा हो। है तो बहुत सिंपल, है तो बहुत सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब करो इसको। तो जब ये मेन चेन है तो ये क्या बन गया, ये समझो आप, अब इस चीज को समझो बारीकी से, ये क्या बन गया, तो ये बन गया प्रतिस्थापी। क्या बन गया, प्रतिस्थापी यानी शाखा। अब दो नाम इसका, अब भी दिक्कत करोगे आप, देखो कैसे। सबसे लंबी मेन चेन, अब नामकरण वहां से करो, नामांकित नहीं हुआ अभी, ये नामांकन करो इसको, नामकरण वहां से करो जहां से शाखा पास हो, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नामकरण वहां से करो जहां से यही पास हो, यानी एफ जी फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से वन और टू, कितने पे जुड़ा है ये, वन नंबर, यहां से होगी तो टू पे आपको प्रतिस्थापी। अब इसका नाम लिखना है, तो लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को लिखते हैं ना। लिखो फिर, टू पे क्या जुड़ा है, ये तो साइक्लोप्रोपेन है, क्या है ये अकेला, अगर इसको देखो तो ये है क्या, साइक्लो प्रोपेन, क्या है ये बताओ, साइक्लो प्रोपेन। लेकिन भाई साहब ये साइक्लोप्रोपेन तब माना जाता जब ये मेन चेन में होता, अभी तो ये खुद शाखा बना हुआ है, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या होगा देखो ध्यान से, साइक्लो प्रोपाइल, क्या हो जाएगा बताओ, साइक्लो प्रोपाइल। क्यों हो गया ये साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि जैसे मेथेन मिथाइल होता है, अगर मेन चेन में अगर एक सी बाहर निकला है तो इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल। अगर मेन चेन में दो सी बाहर निकले हैं तो इसे बोलते हैं इथाइल। तीन कार्बन अगर बाहर निकले हैं तो इसे बोलते हैं प्रोपाइल। मेन चेन से बाहर है, प्रतिस्थापी बन गए हैं, प्रोपाइल। उसी तरीके से ये भी देखो, मेन चेन से बाहर है तीन कार्बन, तो प्रोपाइल तो ये है ही, लेकिन साइक्लो है ना, रिंग बनी, तो साइक्लो प्रोपाइल। अब आया समझ में, तो ये टू पे क्या जुड़ा है, टू पे जुड़ा है साइक्लो प्रोपाइल। अगर ऐसा जुड़ा होता, मेन चेन के बाहर अगर ये जुड़े हैं तो ये साइक्लो ब्यूटाइल हो जाता। अगर मेन चेन के बाहर ये जुड़ा होता, बहुत ध्यान से समझ लो इस चीज को, तो ये साइक्लो पेंटाइल हो जाता। और अगर यही मेन चेन है, अगर यही मेन चेन है तो साइक्लो पेंटेन, क्या होता, साइक्लो पेंटेन। इसी में कुछ जुड़ा होता तो वो बनता साइक्लो पेंटेन। लेकिन ये खुद अगर शाखा बन जाता है, ये खुद प्रतिस्थापी बन जाता है, तो आयल शब्द जुड़ता है, मेथेन में मिथाइल, एथेन में एथाइल, प्रोपेन में प्रोपाइल। लेकिन भाई साहब ये तो रिंग थी ना, तो साइक्लो प्रोपाइल। आ गया होगा समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो टू पे जुड़ा है साइक्लो प्रोपाइल और वन पे जुड़ा है, अभी देखो ये शाखा प्रतिस्थापी का नाम लिख गया, अब मेन चेन का नाम लिखेंगे। मेन चेन दो कार्बन, एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन,
एथेन हो गया, उसके बाद सबसे आखिरी में फंक्शनल ग्रुप वन पे जुड़ा है ऑल, एथेन वन ऑल, या इसको लिख सकते हैं एथेनॉल, एथेनॉल। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया कि नहीं? अगर ऐसे पढ़ोगे तो पक्का टॉप करोगे निश्चित। तो ऐसे ही चीजें आपको क्लियर होंगी। देखो वीडियो लेक्चर जो यहाँ तक पहुंच गए हैं ना देखते देखते, वही बच्चे आगे इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि हम कठिन यहाँ तक पहुंचे हैं, सरल से कठिन की ओर पहुंचे हैं। तो अब आप समझ लो कितने इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो ये हो गया, अब हम और कुछ एक्सरसाइज करते हैं। इतनी सारी चीजें आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से कितनी सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। चलो अब मैं आपके सामने कुछ एक दो एग्जाम्पल और रख देता हूं, इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलो इसको बनाओ, इसको हटा देते हैं, ठीक है? अभी रूल समझाना है क्योंकि। चलो ये है आपके पास, ये की होगी, अब इसको बनाना है। थोड़ा टाइम आप लोगे, मुझे पता है, वीडियो को पॉज कर लो। चलो मैं बता देता हूं। आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल याद करो, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना। तो क्या अब इस बार ये रिंग मेन चेन बनेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, तो ये मेन चेन बन जाएगी। जबकि पहले क्या था, पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, तो मैं इससे रिंग से डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा था, बल्कि इनसे जुड़ा था, तो ये मेन चेन बन गई। तो एक कारण, अब नामांकन करना है तो नामांकन वहां से करेंगे जहां से शाखा पास हो, लेकिन शाखा से ज्यादा वरीयता किसको मिलती है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। उससे भी ज्यादा वरीयता किसको मिलती है? फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पे ये है FG, क्या है ये? फंक्शनल नंबर। यहाँ से अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद यहाँ जाए कि यहाँ जाए? अब जो बच्चे यहाँ गए होंगे उन्होंने गलत कर दिया होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये शाखा भी तो है, तो यहाँ जाने का तरीका ज्यादा सही है, मतलब सही है IUPAC के अनुसार, कि फर्स्ट इसको दो, सेकंड वहां पे जहां से शाखा मिल रही है। यहां से जाने से शाखा दूर हो गई, यहां से जाने से शाखा पास हो गई, यानी डबल बॉन्ड भी है, देखो ये शाखा है, तो यहां जाएंगे तो 3 यहाँ आएगा। तो आपका ज्यादा मिस्टेक तो नहीं हुआ होगा, 3 एथिनाइल होगा आपका, जबकि मेरा 2 एथिनाइल आएगा। देखो कैसे, अब इसके बाद ये देखो 2 जो है, 2 पे ये क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड। अब ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसका मीनिंग है कि सी दो बॉन्ड है, दो और हाइड्रोजन लगा दो, तो हो गया ना 4। दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन और लगा दो, हो गया ना 4। दो कार्बन को बोलते हैं एथ, डबल बॉन्ड है तो ईन, तो ये हो गया एथीन। क्या हो गया बताओ? एथीन। लेकिन एथीन कब बोलते हैं? जब ये मेन चेन बनता। लेकिन क्या ये मेन चेन है? नहीं, ये तो प्रतिस्थापी बन गया है, समझो इस बात को। जब ये मेन चेन है तो ये भाई साहब क्या बन गए हैं? प्रतिस्थापी। तो एथीन जब मेन चेन में होता है तब एथीन बोलते हैं उसे, अभी तो ये बन गया है प्रतिस्थापी, समझो इस बात को। क्या है ये बताओ? प्रतिस्थापी। तो इसमें आयल शब्द लग जाएगा, यानी कि ये एथीन तो था पहले, लेकिन जब प्रतिस्थापी बना तो ये आयल हो गया, जैसे मैथेन मैथेन मैथिन एथेन इथाइल हो जाता है, मैथिन मिथाइल हो जाता है, इसी तरीके से एथीन प्लस आयल एथिनाइल, एथिनाइल। तो ये देखो 2 पे क्या है अपना शाखा, सबसे पहले लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं बताओ? शाखा को लिखते हैं ना, प्रतिस्थापी को लिखते हैं ना, तो 2 पे जुड़ा है। ये किस पे जुड़ा है? एथिनाइल। ये क्या है बताओ? एथिनाइल है। कितने पे जुड़ा है? 2 पे, तो 2 एथिनाइल। बताओ आया समझ में? 2 पे क्या है? एथिनाइल। इसके बाद मेन चेन प्रतिस्थापी और तो नहीं है कुछ? देख लो, नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है।
तो प्रतिस्थापी लिखने के बाद अब हम लिखते हैं मेन चेन। तो मेन चेन तो हमारी ये है ना साइकिल वाली, तो साइक्लो के बाद आप देखो कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन लगा दिया, तो प्रोपेन हो गया। और वन पे क्या जुड़ा है, ऑल, तो वन ऑल, ये आपका सही सही नाम हो जाएगा। तो नाम क्या है, टू एथिनाइल साइक्लोप्रोपेन वन ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें, ठीक। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन मुझे पता है एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे ये देख लो यौगिक, चलो इसको बनाओ, मैं रुका हुआ हूँ, थोड़ी देर प्रैक्टिस करो, फिर मैं बनाता। चलिए बना लिया, अब हम इसको बनाते हैं। इधर देखो, सबसे लंबी कार्बन की चेन, कार्बन यहां भी है, कार्बन यहां भी है, कार्बन, इस कार्बन को यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। चलो अब डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, अब जिस चेन से जुड़ा है वही मेन चेन होगी, मैंने आपको बताया है, तो ये होगी मेन चेन। तो फिर क्या होगा, ये जो है ये प्रतिस्थापी हो जाएगा सारा का सारा, ये क्या हो जाएगा प्रतिस्थापी। तो अब फिर कैसे हम इसका नाम लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना कि ये बेंजीन नहीं है, इसके अगर भीतर रिंग होती तो ये बेंजीन होता, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। तो देखो ये प्रतिस्थापी बन गया, कितने कार्बन का, एक दो तीन चार पांच छः, तो छः कार्बन का है, तो ये इसका नाम पता है क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये प्रतिस्थापी बना हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, आइल शब्द इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि ये मेन चेन होता तो इसका नाम होता साइक्लोहेक्सेन, लेकिन ये बन गया प्रतिस्थापी इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल। तो देखो अब ये एक नंबर पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे टू और थ्री आप कहीं भी दे सकते हैं, तो इसका नाम होगा वन साइक्लो हेक्साइल, ये हमने नाम दे दिया वन साइक्लो हेक्साइल। इसके बाद मेन चेन का नाम लिखेंगे जो कि है प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेन, लेकिन ये साइक्लो प्रोपेन है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक शब्द यूज करना है साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन। और फिर वन पे क्या जुड़ा है, और, तो हो जाएगा वन और। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाओगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब सारी की सारी जितने भी कुछ होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, तो होमवर्क आप लिख लो, एक होमवर्क मैं दे देता हूँ, और ये होमवर्क वही बच्चे करेंगे जो आखिरी तक वीडियो लेक्चर देखते हैं, ठीक है। ये मैंने एक आपको होमवर्क दिया है, इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एल्कोहल खत्म हो चुका है, अब एल्डिहाइड करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा, ये देखो यहाँ पे एल्डिहाइड और समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे, तो एक एक करके पढ़ते जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप एल्कोहल आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। थैंक यू।